बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में अगर आप एक अच्छा डेजर्ट कूलर अपने रूम में नहीं लगाएंगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी। आप सिर्फ पंखे की तरफ देखते रह जाएंगे और या तो वेट करेंगे यार कि बारिश आए बारिश आए, गर्मियां कम हो। लेकिन अगर आप गाइस आज ही चाहते हैं कि ये गर्मी खत्म हो जाए और आपको इस राहत गर्मी से सुकून मिल जाए, तो आपको एक डिजर्ट कूलर के बारे में बताता हूँ, नोवा मैक्स JR 75 लीटर कूलर के बारे में। इसका एक प्रैक्टिकल रिव्यू मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। शॉर्ट्स वीडियो में तो आप देख चुके हैं इसका रिव्यू, मगर आप एक इसके लॉन्ग वीडियो में आपको मैं पूरा जेन्यून रिव्यू दिखाऊंगा। तो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान मिर्जा ब्लॉग्स। गाइज मैं इस डिजर्ट कूलर का एक शॉर्ट्स जेन्यून फास्ट रिव्यू भी डाल चुका हूं अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में। तो अगर आपको जल्दी इस कूलर का शॉर्ट्स रिव्यू देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं उसकी पूरी जेन्यून रिव्यू। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल सारा सब कुछ देखना है तो मैं आपको इस वीडियो में सारा सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बताऊंगा सारा सब कुछ, इसके सारे प्रोज आपको दिखाऊंगा मैं कि इस कूलर के लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको आप क्या क्या इससे कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इस कूलर के सबसे पहले पावर कॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो आपको इस कूलर में तकरीबन 2.5 मीटर की पावर कॉर्ड मिल जाती है, जिससे आप आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस के अगर आपका प्लग बोर्ड है तो आप उसको वहां पे पहुंचा सकते हैं। अगर फ्रंट से बात करें तो इसमें आपको देखिए डबल साइडेड जाली मिलती है आपको फाइबर की ही, जिसमें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो काफी सेफ्टी है। और इसमें देखिए आपको 3 मोड्स दिए गए हैं, हाई मीडियम और लो। और इसके पंप की बात करें तो आप देख सकते होंगे इसमें स्विंग पंप प्लस स्विंग, और सिर्फ पंप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। मोस्टली इस कूलर को हम लोग लो पे ही चलाते हैं, मगर फिर भी इस लो पे इस कूलर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपके नॉर्मल जो कूलर घर में रखे होंगे उससे कहीं गुना ज्यादा इसकी लो पे स्पीड होती है। तो और नॉइस की बात करें तो आपकी बिल्कुल 0 नॉइस है, बिल्कुल शांत। आपके घर में ये आपके रूम में कूलर चलेगा मगर आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा ये कूलर आपके रूम में चल भी रहा है। आइए अब इसके फ्लो की बात करें, एयर फ्लो की, तो देख रहे होंगे आप कितनी जबरदस्त लो पे इसकी फ्लो है। देखिए लो पे तकरीबन ये 6 से 7 मीटर कवर कर रहा है, और मेरा रूम भी आप देख सकते होंगे कि काफी बड़ा रूम है और अच्छा खासा बड़ा रूम है, एक नॉर्मल रूम का जस्ट डबल रूम है मेरा। और मीडियम पे हाई पे लो पे आप इसकी स्पीड तो मैक्सिमम स्पीड है ये मान के चलिए। तो अगर आपका घर या रूम काफी बड़ा है तो इस कूलर को आप बिल्कुल आंख बंद करके प्रिफर कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। 2 से 2.5 घंटे चलने पे ही ये आपके रूम को इतना चिल्ड कर देगा कि आपको रात में उठ के कूलर बंद करना पड़ जाएगा या तो फिर आपको ब्लैंकेट यूज करना पड़ जाएगा। इस कूलर के इतनी ज्यादा कूलिंग है क्योंकि हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 महीने से यूज कर रहे हैं, और इस कूलर में ये मान के लिए कि 2.5 से 3 घंटे में ही कंटिन्यू जैसे ही चलता है ये, तो हम इसको कूलर हमें बंद करना पड़ जाता है, वरना ब्लैंकेट ओढ़ के सो और तो बिल भी देना, तो इससे अच्छा भैया इस कूलर को बंद कर लो। और इसके देखिए ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, पूरा 75 लीटर वाटर लेवल इंडिकेटर है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि गाइस इसमें आप बिल्कुल 0 तलहटी पे अगर पानी रहेगा तब भी आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि गाइस ये जितना इंडिकेटर दिखा रहा नीचे जो ब्लैक फाइबर है वहीं तक यूज कर सकते हैं, नहीं पूरा वाइपर लेवल यूज कर सकते हैं। और देखिए इसमें कैस्टर व्हील दिया हुआ लॉकिंग सिस्टम के साथ में, और काफी बड़े साइज के व्हील दे रखे हैं, तो अगर पूरा कूलर आपका पानी से भरा भी हुआ है तब भी आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। और ये बैक साइड की बात करें आपको इसकी, तो बैक साइड में देखें इसके जो हनीकॉम दिया हुआ, हनीकॉम के ऊपर पूरा नाइट पूरा नेट दिया हुआ है। नेट से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके मच्छर वच्छर जो है वो नहीं जा सकते, डस्ट पार्टिकल अगर उड़ रहा है या डस्ट पार्टिकल है तो डस्ट पार्टिकल भी आपके डायरेक्ट हनीकॉम पे नहीं जाएगा, जिससे वो गाइस बैक साइड से भी ये काफी ज्यादा मजबूत है। तो कभी मैं जब इसकी साफ सफाई करूंगा तो आप एक वीडियो और इसकी बताऊंगा कि इस तरीके से आप इसको ओपन करके साफ सफाई भी कर सकते हैं। और इसकी बॉडी आप देख सकते होंगे, बॉडी तो इतनी ज्यादा हैवी है कि आपके सामने से दिख रहा होगा कि अगर आप इसके ऊपर भी बैठ चढ़ के बैठ जाएंगे तब भी इसकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ज्यादा हैवी गेज का इसका फाइबर है। और एयर फ्लो तो आपको मैं दिखाई चुका हूं, आप 75 लीटर पानी फुल भरते हैं,
तो ये कूलर आपको पूरी रात बिना पानी भरे आसानी से चलेगा। और ये इसका इनलेट पिक पॉइंट बना हुआ है, और देखिए किसी बच्चे ने शरारत करी है, इस इनलेट में किसी ने चिंगम चिपका दिया है। तो ये आपका इनलेट पॉइंट है इसका, यहाँ से आप पाइप लगा के कंटिन्यू छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह इस कूलर को लगा रखे हैं जहां से आपके वाटर लेवल, जहां से आपका टैप है, तो परमानेंट इसमें पाइप लगा के छोड़ दीजिए, आप नल को ऑन कर दीजिए, तो आपको कभी इसमें पानी भरने की जरूरत ही नहीं है। जितनी जरूरत पानी इसमें घटेगा वो अपने आप इसको फिल कर लेगा। क्योंकि मैं इस मेरा जो टैप पॉइंट है काफी दूर है, तो इस वजह से मैं इसमें साइड से, दूसरी साइड से पानी इसमें भरता हूं मैं। तो इस तरीके का ये कूलर है। और गाइस कूलिंग के मामले में तो भाई ये जबरदस्त है, और बड़ा साइज का अगर आपका रूम है तो ये तो पूरा उसको आसानी से कवर करेगा। एयर फ्लो जबरदस्त है इसका। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस अगर आपका बजट करीब 10 से 12,000 रुपए के बीच में, इस कूलर को आप आसानी से ले सकते हैं और बिना किसी टेंशन के। और इसके सामने से देखिए आप, डबल साइडेड मोटी सी जाली दी हुई है, जिसमें आपके बच्चे अगर जानबूझ के अगर इसमें भी फिंगर डालना चाहे, अनजाने में डाल दे, तब भी उनके फिंगर्स तक फैन नहीं है, फैन मतलब उनका फिंगर्स फैन तक नहीं आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफी दूर पे है। रुको जरा, सबर करो। अब हम इसके प्रैक्टिकली देखते हैं एयर फ्लो को। तो ये जो कंपनी क्लेम करती है इसकी 90 फीट का एयर थ्रो है जो है हाई पे, मगर मैं आपको बताऊं ये 20-25 मीटर से कम भी नहीं देता है। वो प्रैक्टिकली आप देख सकते होंगे करीब आसानी से ये 20 मीटर करीब कवर कर रहा है ये एयर फ्लो। लास्ट पर्दा हमारा देख रहे हैं रूम का, वो हिल रहा है और अच्छी खासी स्पीड में हिल रहा है, तो काफी अच्छी खासी स्पीड देता है गाइस। एरिया भी अच्छा खासा कवर कर रहा होगा, आप देख रहे हो कितना बड़ा मेरा हॉल है। और ये तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट तो नहीं, 700-800 स्क्वायर फीट ये आसानी से कवर करता है ये पूरा। और 1400 आरपीएम पे इसका मोटर स्पीड है, फोर वे में चारों तरफ ये एयर फ्लो देता है। पावर कंजप्शन की बात करें तो ये 250 वाट का पावर कंजप्शन करता है और 230 वोल्ट पे आसानी से चलता है 50 हर्ट्ज पे। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि कूलर का बेनिफिट एक और है कि ये आपके होम इन्वर्टर पे भी चलता है और बहुत ही लो पावर कंजप्शन में। और ये इन्वर्टर कंपेटिबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद।